नमस्कार, वापस हाजिर हैं हम अपने YouTube चैनल टीजी कॉमर्स के साथ और उसी कॉमर्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है डॉक्टर संतोष राय, मोटिवेशनल स्पीकर, गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 11th के बाद बच्चा कंफ्यूज होता है कि वो कौन से स्ट्रीम में जाए, कॉमर्स में, साइंस में। शायद वो उस वक्त उतना श्योर नहीं होता, इस वजह से वो साइंस स्ट्रीम में चला जाता है। बट अगर 12th के बाद चाहे तो क्या वापस से उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कॉमर्स में आ सकता है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे या परिवार के दबाव की वजह से या पिता की इच्छा की वजह से या पारिवारिक इच्छा की वजह से अगर वो साइंस ले लेते हैं 11th में और बाद में वो स्विच करना चाहते हैं कि कॉमर्स को एक करियर के रूप में सेलेक्ट करें जी। तो यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ी आसानी से वो अपने करियर को कॉमर्स में स्विच कर सकते हैं। और स्विच करने के बाद 12th के बाद कॉमर्स के जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हैं, बीकॉम के साथ साथ CA, ICWS, CS या उनको करियर में और भी कुछ करने की इच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दे कि आप ये करिए ये ना करिए और इस वजह से बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, तो किस हद तक उनको ऊपर ये प्रेशर डालना सही रहेगा या क्या उनके ऊपर बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालना भी चाहिए या नहीं? प्रियंका जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन हर जगह होता है। तो यहाँ माता पिता को मैं ये चाहूंगा कि प्रेशर डालने की जगह बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उनके साथ बैठ करके वो बच्चा क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या बातें हैं, उसका किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस पर एक चर्चा करें। और इसके बाद भी अगर किसी मुख्य नतीजे तक या अपने कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मार्गदर्शक की सहायता लें और मार्गदर्शक के सहायता के बाद उस करियर को परस्यू करें। उस पर बच्चे पे अनावश्यक प्रेशर डालना आज की तारीख में ठीक नहीं है, जहां हम ग्लोबलाइजेशन और पूरा मीडिया का जमाना हो गया है वहां पे बच्चों पे प्रेशर डालना। सर, इसी क्वेश्चन का आगे कंटिन्यूएशन में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि माता पिता और बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा जनरेशन गैप आ गया है, तो ये जनरेशन गैप को फुलफिल करने का कोई तरीका या कोई उपाय है इसका? जनरेशन गैप, मैं इसको जनरेशन गैप नहीं कहूंगा, अब जागरूकता हो गई है। पहले बच्चों को जो नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी और ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज सब सिंगल फैमिली हो गई है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा अपने खाली समय को कंप्यूटर के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपने आप को एंगेज कर रहा है। तो वहां बच्चों में एक जागरूकता आ गई है, या तो माता पिता एक प्रॉपर या क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ में शेयर करें तो वो गैप ऑटोमेटिक कम होगा। बच्चे, आज के बच्चे एज कंपेयर टू जो पहले बच्चे होते थे, उनसे ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा स्किल्ड हैं, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करके, बातचीत करके किसी अच्छे निर्णय तक पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, आपने जहाँ पे ये कहा कि बच्चे बहुत ज्यादा स्किल्ड है, ठीक है, ये बात बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट इसके साथ साथ काफी जगह ऐसा होता है बच्चे स्किल्ड होने के साथ साथ तो काफी जगह फेलियर भी देखते हैं और बच्चे फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहीं वो अपने जीवन को जोखिम में डाल देते हैं या कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या ये किस हद तक सही है या कैसे बच्चे अपने आप को इस फेलियर से ओवरकम करें? मैं प्रियंका जी फिर से रिपीट करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा जी कि बच्चों को शुरू से इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो किसी भी टारगेट को जब हम निर्धारित करते हैं या लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उसके भी दो पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। तो सक्सेस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनसक्सेस हो तो बच्चे को इस लायक हम प्रिपेयर करें कि बच्चा उस अनसक्सेस के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके, उस अनसक्सेस के साथ आगे की यात्रा को तय कर सके। यहां परेशानी ये हो गई है कि हम बच्चे के मालिक बन जाते हैं। आप वो जो पौधा है उस पौधे के मालिक नहीं है, उस पौधे को देख रेख करने वाले आप मालिक हैं। मालिक और माली दोनों में डिफरेंस है, तो आप माली हैं, उस पौधे की बहुत अच्छे से देख रेख करें, आप पेरेंटिंग अच्छे से करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ना कि मालिक बनकर के अगर उसके ऊपर अधिकार जताएंगे तो परेशानी। पिछले वीडियो में आपने हमें बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाहूंगी बच्चों की तरफ से ये सवाल उठा है कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज को करने से क्या अश्योरेंस है, क्या गारंटी है कि हमारी जॉब लगेगी, और अगर हमारी जॉब लगती है तो उसका क्या एक पैकेज बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रियंका जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ आपने पढ़ाई की है या पढ़ाई के साथ साथ आपने अपना ओवरऑल डेवलपमेंट किया है। आप पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, आपकी व्यवहारिकता नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो यहाँ पैकेज निर्धारित करना कठिन होगा।
लेकिन एक जनरल बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स किया है, लाइक सीए किया है या सीएस किया है या सीएमए किया है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट बड़ी आसानी से उस बच्चे को मिल जाएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, जॉब कर सकता है, और एक खराब से खराब हालत में भी मैं कहूँ तो वो बच्चा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मंथली के पैकेज में जा सकता है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपना चारों तरफ यदि यूनिवर्सल डेवलपमेंट यानी अपना पूरा विकास करे। थैंक यू सो मच सर अपना इतना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। वापस से हमारे YouTube चैनल में इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नीचे आपको बेल आइकन दिखेगा, वो जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।